वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो आज की रीडिंग है ये है फुल मून इन टॉरस के बारे में, क्योंकि इक्लिप्स भी है इसलिए ये रीडिंग है फुल मून इक्लिप्स इन टॉरस। ठीक है, ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। और अगर आप पहली बार जुड़े हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है, और अगर आप फिर से वापस आए हैं तो भी आप सभी का बहुत सारा वेलकम है। आप लोगों के सपोर्ट के लिए, आप लोगों की ब्लेसिंग्स के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ होने के लिए। तो आज की रीडिंग को शुरू करने से पहले, जैसे कि आपको पता ही है कि थोड़ा सा इंट्रो रहता है, थोड़ा सा रिचुअल रहता है, उसके बाद हम पिका कार्ड देखते हैं। तो आज के दिन थोड़ा सा चेंज रहेगा। वो चेंज ये है कि हम इंट्रो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम आपकी रीडिंग्स में देखेंगे कि किस तरह की एनर्जीज आपको इफेक्ट करेंगी, और साथ ही रीडिंग के दौरान देखेंगे कि आपको किस तरह का रिचुअल सूट करेगा। तो हो सकता है सभी के लिए एक जैसा ही हो, और हो सकता है कि आपके लिए अलग हो, इसलिए जिस फाइल को आप चुनते हैं उसकी एनर्जीज को या उस रीडिंग को ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा पेशेंस रख के सुनिएगा, और कुछ चीजें समझ में ना आए तो उसको आप दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। और अगर आप एक से ज्यादा ऑप्शन को चुनते हैं, अगर आपको अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइनमेंट में लगती हैं, या फिर अगर आप दो ऑप्शंस को चुन रहे हैं और आप दोनों ही रिचुअल करना चाहते हैं, तो वो भी आप करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो आज की रीडिंग के लिए फुल मून जो है 19 नवंबर 2021 को लगेगा, यानी कि ये जो 19 नवंबर आने वाला है, इसको फुल बीवर मून भी कहते हैं, फ्रॉस्ट मून भी कहते हैं। और ये कहीं ना कहीं ठंड जब बढ़ती है तो उस टाइम पीरियड में इस तरह की एनर्जीज रहती हैं, इसलिए इसको फ्रॉस्ट मून कहा जाता है। बीवर्स की इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा हॉन्टिंग की जाती है, यानी कि उनका शिकार किया जाता है इस टाइम पीरियड में उनके खाल की वजह से, तो इसको भी बीवर मून कहते हैं। ये जो लूनर इक्लिप्स है, ये जो चंद्र ग्रहण लग रहा है, ये सदी का सबसे लंबा, बड़ा और अंतिम चंद्र ग्रहण है इस सदी का। इसके बाद जब अब टॉरस राशि में ग्रहण होगा, वो होगा 19 सालों के बाद, और 6 घंटे का कम से कम ये ग्रहण है, यानी कि ये जो ग्रहण है ये 11:24 से सुबह शाम के 5:32 तक रहने वाला है। इंडिया में दिखाई नहीं देगा, इंडिया में आंशिक रूप से दिखाई देगा, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया साइड में ज्यादा दिखाई देगा, लेकिन लास्ट में जो दिखाई देगा आंशिक रूप से, ये नॉर्थ ईस्ट साइड में पड़ने वाला है। तो सूतक नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार या फिर आप अपने परिवार के अनुसार अगर आप कुछ पालन करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि सबके घर के अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, अपने हालात होते हैं, अपनी सोच होती है, तो उसको भी जरूर मैटर कीजिएगा, क्योंकि हमेशा रिबेल हो जाना अच्छा नहीं होता है, हमेशा ही चीजों को नकारना अच्छा नहीं होता है। तो परिवार में जिस चीज से शांति बनी रहे उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो फुल मून है, यानी कि जो ये इक्लिप्स लग रहा है, ऊपर से टॉरस के अंदर फुल मून है, तो ये कहीं ना कहीं आपको बागी बनाएगा ही बनाएगा। और इसी दिन बहुत ही खूबसूरत और दो चीजें हैं, वो है देव दीपावली और है गुरु नानक जी का जन्मदिन, गुरु नानक जयंती। तो जिस दिन देव दीपावली होती है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही होती है, और इस दिन काशी में गंगा जी की पूजा की जाती है, खूब सारे दिए जलाए जाते हैं, देवताओं के विजय दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है, भगवान शंकर की पूजा भी की जाती है। इस दिन गुरु नानक जी की जयंती भी है, तो उनका हैप्पी बर्थडे भी है, वो भी मनाया जाएगा। तो बहुत ही खूबसूरत दिन है और बहुत सारी एनर्जीज है, अलाइनमेंट में है, एनर्जीज हाई रहेंगी। तो आज की रीडिंग को शुरू कर लेते हैं, आपके ऑप्शन देख लेते हैं। तो आज की रीडिंग के लिए आपके सामने जो ऑप्शन है, आपके सामने है ब्राउन कलर के एंजल, ऑप्शन टू के लिए है व्हाइट कलर के एंजल या क्लियर क्रिस्टल जो है उसके एंजल, और यहाँ पर ऑप्शन थ्री के लिए है ब्लू कलर के एंजल। तो आप अपने लिए कोई सा भी एक ऑप्शन चुन सकते हैं, एक से ज्यादा भी चुन सकते हैं, और आप चाहें तो गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पर इंट्यूशंस को, अगर आपको अपनी इंट्यूशन का यूज करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो, तो आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिएगा और देखिएगा कि कौन सा जो क्रिस्टल है या फिर एंजल है आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं, आपको अपनी तरफ बुला रहे हैं, या फिर अगर आपको इसमें से चाहिए हो तो आप कौन सा क्रिस्टल लेंगे। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन वन के साथ में। वेलकम ऑप्शन वन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि इस फुल मून का, इस इक्लिप्स का क्या प्रभाव रहने वाला है आप लोगों के ऊपर, या फिर किस तरह की एनर्जीज आपको इफेक्ट करने वाली हैं। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि मन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, इसलिए अपने मन पर आपको कंट्रोल जरूर रखना चाहिए। जितने भी लोग हैं इमोशनली टेंस्ड होने का टाइम रहेगा उनके लिए। ओके, सबसे ऊपर यही कार्ड था और यही आया है आपके लिए। तो पहले एक बार कार्ड ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आपके लिए किस तरह की एनर्जीज रहने वाली हैं। कलेक्टिव के लिए ये टाइम पीरियड थोड़ा सा ये टाइम पीरियड ना कलेक्टिव के लिए जंग वाला रहेगा, अपने आप को समझने का रहेगा कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे क्या करना है, क्या हमें काम करने हैं, क्या हमें एक्शन लेने हैं। जो कुछ भी करें उसके अंदर इस बात का ध्यान रखिएगा कि आग तो बहुत सारी जलेगी, लेकिन वो सही दिशा से आप जला पाएं, उतनी ही जला पाएं जितना कि आपको उससे ऊर्जा मिले, इतनी ना जले कि उससे कोई बड़ा नुकसान हो जाए, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। तो यहाँ पर फुल मून इन टॉरस की एनर्जी लूनर इक्लिप्स के साथ किस तरह की रहने वाली है,
ऑप्शन वन के लिए। तो यहाँ पर आपके लिए, तो एक बार पहले कार्ड ले लेते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरह की एनर्जीज हैं आपकी। टॉरस फिक्स साइन है, फिक्स साइन होने की वजह से कहीं ना कहीं लाइफ में स्टेबिलिटी की जरूरत रहेगी ही रहेगी। अपने आप को संयम में रखना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, अपने आप को बैलेंस में रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है। चीजें हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आपको उतनी अच्छी ना लगे, जो कुछ भी आसपास हो वो आपको उतना अच्छा ना लगे या इतना आपको पसंद ना आए। एक कलेक्टिव जो कॉन्शियसनेस है वो कुछ ना कुछ ऐसा ही करेगी जिसमें आपको चीजें पसंद नहीं आएंगी। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल आपको लग सकती हैं चीजें कि आपके लिए थोड़ी सिचुएशन यहाँ पे खराब हो रही है, थोड़ी सिचुएशन यहाँ पे आपके हिसाब से नहीं चल रही है। कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स भी होते रहेंगे लोगों के साथ में, इसलिए भी अपने आप पे थोड़ा सा संयम रखना जरूरी रहेगा। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, ये ले लेते हैं। हालांकि लेना नहीं था बट ठीक है, आ रहा है तो क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक। तो देखते हैं यहाँ पे आपके लिए किस तरह की एनर्जीज हैं आपके लिए। तो आपके लिए यहाँ पर जो पहला कार्ड है, ये कार्ड है टू बी श्योर ऑफ द रोड, क्लोज योर आईज एंड वॉक इन द डार्क। तो आपके लिए जरूरी क्या है, आप शायद लीप ऑफ फेथ लेने से डरते हैं, यानी कि आगे बढ़ने से आप शायद डरते हैं। आपको लगता है कि आगे जब तक आपको चीजें पता नहीं चलेंगी तब तक आपके लिए कैसा होगा। चीजों में जो एक्शन लेना है वो आपके लिए जरूरी है, लेकिन शायद आप ले नहीं पाते हैं। आपको लगता है कि ये जो आप अपने हिसाब से करेंगे यही चीजें आपके लिए सही साबित होंगी, ये सही तरीके से साबित होंगी। तो इस टाइम पीरियड में आपसे कहा जा रहा है कि प्रेयर कीजिए, ओपन अ न्यू रोड टू मी टूडे। अपने जीवन में नए रास्ते खोलने के लिए आपको प्रेयर करते रहनी चाहिए, और कहीं ना कहीं ये जो फुल मून है ये आपको प्रेरित करेगा कि आप अपनी लाइफ में बदलाव लाएं। चाहे वो आपकी लाइफ में आपकी डेली रूटीन हो, चाहे वो आपकी लाइफ में आपकी कोई सोच हो, या कलेक्टिव में आपको चेंज करना चाहते हो, यानी कि ओवरऑल अगर अपनी लाइफ को आपको चेंज करना चाहते हैं तो जरूरी रहेगा कि आप अपने जो रास्ते हैं उनको देखें कि किस तरह से आप चल रहे हैं। आप देखना चाहेंगे एक्चुअली, क्योंकि शायद पिछले काफी वक्त से आप एक ही जगह पे स्टक हैं, एक ही जगह को आप बैलेंस कर रहे हैं, एक ही जगह में आप सब कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में बैलेंस करना चाहेंगे। किंग ऑफ कप्स का कार्ड भी उसी एनर्जी की बात करता है, जहां पर इमोशनली आप बहुत ज्यादा बैलेंस्ड होते हैं, जहां पर आप बहुत ज्यादा अपने आप में अपने आप को नर्चर कर रहे होते हैं, जहां अपनी सिचुएशंस को आप संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं और आप संभालते भी हैं। हालांकि अगर आपने नहीं संभाला है अभी तक, तो कहीं ना कहीं आपको ये फुल मून प्रेरित करेगा कि आपके लिए चीजें बेशक अनकंफर्टेबल तो होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने लिए एक नया रास्ता देख सकते हैं। आपके लिए कार्ड है वेंडर का, वेयर देयर इज नो पाथ। अगेन ये आपके आगे बढ़ने की बात करता है। देर इज नो टाइम लाइक द प्रेजेंट टू गेट लॉस्ट, रियलाइज दैट पाथ हैज मैनी एक्सप्रेशन, एक्सप्लोरिंग क्रिएटिविटी, इंडल्जिंग इंट्यूशन, परसुइंग अ रिलेशनशिप, चूज वन एंड गेट लॉस्ट ऑन द पाथलेस पाथ टूडे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजों में आप कुछ ना कुछ करते रहना चाहेंगे, एक लाइफ में जो स्टेबिलिटी है उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे और अपनी विशेष फुलफिलमेंट की तरफ आप ले जाना चाहेंगे, क्योंकि स्टार का कार्ड है। आपके पाइल को बहुत सारी हीलिंग की जरूरत है, आप में से बहुत सारे लोगों को ग्राउंडिंग एनर्जीज देखने की जरूरत है, अपने आप को ग्राउंडेड करने की जरूरत है। और ये इसलिए भी रहेगी क्योंकि ये टॉरस में है, टॉरस ऑलरेडी फिक्स्ड साइन है, ग्राउंडेड साइन है। तो आपको यहाँ पर लाइफ में जो स्टेबिलिटी है वो आपको चाहिए होगी और वो हीलिंग आपको चाहिए होगी, इसलिए आपको ये देखना होगा कि आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी जगह, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और किस चीज में आगे बढ़कर आप अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। अपने जीवन में जो कुछ भी आप करना चाहेंगे इस टाइम पीरियड में वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे फ्रूट देने वाला है, लेकिन आपको खुले हाथों से, खुली बाहों से आने वाले वक्त का जो वेलकम है वो यहाँ पर करना चाहिए। जो कुछ भी आप एक्शन करेंगे, क्योंकि ये समय ना एक्शन का रहेगा, जो कुछ भी आप एक्शन करेंगे, जो भी आइडियाज को आप रूप देना चाहेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। रेजिस्टिंग चेंज लीड्स टू इननेस, एक्सेप्टिंग चेंज ब्रिंग्स अबाउट पीस। तो जब हम रेजिस्ट करते हैं तो वो चीजें हमारी लाइफ में बदलाव नहीं लाती और हमको कहीं ना कहीं बीमार कर देती हैं, हमको कहीं ना कहीं परेशान कर देती हैं। और अगर हम अपनी लाइफ में हीलिंग करते रहते हैं, पीस को चूज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं चेंज को, तो वहां पे कहीं ना कहीं पीस आता है। एम्ब्रेस द चेंज इन योर लाइफ, रिलीज व्हाट यू नो लॉन्गर नीड एंड वेलकम द सीड्स ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस। जैसे कि हमें पता ही है जो फुल मून का टाइम होता है वो रिलीज करने के लिए सबसे अच्छा होता है। तो आपको ये देखना होगा कि आपकी सिचुएशन में कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी बात है जहां पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है और आप नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वाइब्रेशंस बहुत ही ज्यादा इंटेंस रहेंगी, कुछ ना कुछ ड्रामेटिक रहेंगी, किसी ना कोई
कोई ड्रामा आप देखते ही रहेंगे अपने आसपास में, राजनीति में, लोगों में, अपनी सिचुएशन में, अपने घर में, अपने हालातों में, तो उस ड्रामे से बाहर निकलकर आप क्या प्रैक्टिकल अप्रोच कर रहे हैं अपने आप को हील करते हुए, वो आपके लिए देखना जरूरी रहेगा। यहाँ पर भी ये कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स का, पेज जो है न्यू एनर्जीज की बात करते हैं, यहाँ पे कार्ड है रेजिस्टिंग का। तो जीवन में जिन चीजों को भी आप रेजिस्ट करेंगे उससे काम नहीं चलेगा, जिन चीजों का आप सामना करेंगे, सामने से आप किसी चीज को फेस करने के लिए तैयार रहेंगे, उन चीजों से आपको यहाँ पे मदद मिलेगी और उन्हीं चीजों से आपकी यहाँ पे ग्रोथ होगी। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है रिकवरी का। ये कार्ड कहता है कि रिकवरी कोई गोल नहीं है बल्कि एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो कि आपकी लाइफ में होती रहती है। तो आप अपनी लाइफ में कभी भी रिपेयर होने से, रिन्यू होने से चूकते नहीं है। आप आज जो भी दिन भर में होता है, चाहे वो अच्छा है, बुरा है, लाइट है, शेडो है, आप उसको एब्जॉर्व करते हैं। तो अपनी जो स्पिरिट है उसको यस्टरडे में नहीं रखिए जब एक नया दिन शुरू होता है। पुरानी चीजों, पुरानी बातों में आपके लिए कोई फायदा नहीं है। आपके लिए दो कार्ड्स के अंदर प्रेयर के मैसेजेस आए हैं, यानी कि आपको प्रेयर करते रहनी चाहिए क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है यहाँ पे। ये जस्टिस का कार्ड है, ये कार्मिक कार्ड है, और कमाल की बात यह है कि ये भी जो कार्ड आया है ये भी कार्मिक कार्ड है। आपके जो गुड कर्मास हैं वो आपको यहाँ पे रिजल्ट देंगे और आपके कर्मा ही आपको रिजल्ट देंगे। इसके लिए ये जरूरी है कि एक तो आप खुद को नर्चर करें, दूसरा कि आप खुले हाथों से जीवन का स्वागत करें, और जो चीजें भी आपको फाइट में डालेंगी इस टाइम पीरियड में या जिन चीजों में बदलाव की जरूरत है आप उसमें बदलाव जरूर करें। ये कार्ड लिब्रा एनर्जी का है, यानी कि एक बैलेंस की बात करता है, अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करके आगे चलने की बात करता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में, क्योंकि देखिए लूनर इक्लिप्स है, तो ये कहीं ना जैसे कहते हैं आग में घी डालना, ये आग में घी डालने का काम करेगा। तो ये आपकी लाइफ में उन चीजों को और भी ज्यादा बढ़ाएगा जो आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगी। जी हाँ, डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगी। और उस डिस्टरबेंस से आप कैसे उभरते हैं, कितना ज्यादा खुद को स्टेबल रखते हैं, कितना ज्यादा अपनी लाइफ में आप रेजिस्ट नहीं करते हैं चेंजेस को और आप उनको होने देते हैं, कुछ ना कुछ लोगों के लिए टावर मूवमेंट वाली बात रहेगी। ये आपके लिए नहीं कह रही हूं मैं, ये एक इन जनरल बता रही हूं कि कुछ लोगों के लिए ये टावर मूवमेंट वाली बात रहेगी, जहां पर आपको अपनी लाइफ में अंधकार में ही प्रकाश देखना है, अपनी जीवन में अपने आप को स्टेबल बनाना है और किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन से भी आपको बाहर निकलना है। आप सोच रहे होंगे कि इस बार इंट्रो ऐसा क्यों नहीं हुआ जिस तरह से हमेशा होता है। मैंने पिछले काफी वक्त से, बहुत लॉन्ग टाइम से, जब से मैं ये वीडियो बना रही हूं, मैंने एक बात नोट की है कि जो इसका टाइम ड्यूरेशन है ना वो बहुत कम आता है, जिससे मुझे एक बात समझ में आई है कि कम से कम जैसे 15 मिनट का इंट्रो होता है। ये वैसे मैं हर पाइल में बताने वाली हूँ क्योंकि आप लोगों को जानने का हर बात हक है जो कुछ भी चेंजेस होते हैं वो क्यों होते हैं। तो लोग ना मिस कर देते हैं, लोग जो है सिर्फ पिक अ कार्ड सुनते हैं और इंट्रो रिचुअल छोड़ देते हैं। आप ये नहीं समझते हैं जो भी बेनिफिट इसका आप उठाना चाहते हैं कि आपने सुन लिया, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इंट्रो में क्या बोला है, रिचुअल में क्या बोला है, हमें क्या करना है, हमें से पिका कार्ड सुननी है। बहुत लोग ऐसा भी करते होंगे, लेकिन जो लोग ऐसा कर देते हैं उनको ये समझ नहीं आता कि हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है या हमारे साथ ऐसा जब होगा तो हमें करना क्या है। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि जो भी पिका कार्ड्स अब होंगी, यानी कि जो आगे फुल मून और न्यू मून की वीडियोस बनेंगे, उसमें मैं आपको आपके पिका कार्ड में ही बताऊंगी ताकि आप चाहें या ना चाहें आपको सुनना ही पड़े। हालांकि देखिए मेरी जो मेरी इच्छा है वो बहुत ही प्योर है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को इसका बेनिफिट मिले, और यही मेरी विश है कि मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा दे सकूं, आपको ज्यादा से ज्यादा अवेयर कर सकूं कि कैसे आप आगे बढ़ सकती हैं। तो मेरी कोशिश तो यही है, अगर आपको इसका लाभ मिलता है तो अच्छी बात है। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अब से इंट्रो उस तरह से नहीं करूंगी, इंट्रो इस तरह से करूंगी ताकि आपके लिए आपकी रीडिंग में आपको पता चल सके। सौरव का कार्ड है और ये कार्ड भी नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी की बात करता है। अगेन आपके जो मन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा है कि आपके सामने कुछ ट्रुथ आएंगे जिनसे कि आपको थोड़ा बुरा लग सकता है। जी हाँ, ये कुछ ऐसी एनर्जीज भी रहेंगी क्योंकि इंटेंस एनर्जीज रहेंगी। आपके जो फैमिली की हिडन चीजें हैं, आपके परिवार की हिडन चीजें हैं, वो आपके सामने आ सकती हैं। कोई हिस्ट्री जो अब तक आपको पता नहीं थी वो आपके सामने आ सकती है। अपने परिवार के लोगों का कुछ सच आपको पता चल सकता है। ये परिवार के लोग कोई से भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपके कोई ऐसे रिलेशन हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, क्योंकि जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी आपकी एक्सटेंडेड फैमिली होती है। तो कहीं ना कहीं आपको उनके बारे में कोई सच्चाई पता चल सकती है और उससे आपको थोड़ा सा दुख यहाँ पर हो सकता है। तो जो कुछ भी होता है ये एक ट्रांजिशन पीरियड रहेगा, यानी कि एक बदलाव का समय रहेगा, और यहाँ पर आपको उन चीजों से उभरना है और ये देखना है कि आपने अपने जीवन में क्या सीखा है।
तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश आप पूरी तरह से करेंगे, यानी कि जो भी ये सिचुएशन आएगी ना, इसका सामना करने के लिए आप तैयार रहेंगे। हालांकि आपको बहुत समय ऐसा लगता रहेगा कि आपके लिए दरवाजे बंद हैं, अभी कोई दरवाजा खुला नहीं है, कोई रोशनी की किरण आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी आपको ये अचानक से एक दिन समझ में आ जाएगा कि आपके लिए बदलाव हो रहा है। अगर आप लोगों ने 11-11 पोर्टल वाला अगर रिचुअल किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो भी ये 11 नंबर का कार्ड है, कार्मिक नंबर का, तो आपकी लाइफ में ये 11-11 पोर्टल भी बहुत सारे चेंजेस लेकर आया है। कंट्रोल का यहाँ पर मैसेज है, अगेन अपनी चीज़ों को कंट्रोल करने की या लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, आपको यहाँ पे कंट्रोल खुद को करना है, अपनी वाणी पे संयम रखना है, अपने फाइनेंशियल डिसीजंस के ऊपर आपको संयम रखना है, जो कुछ भी ऐसी बातें हैं जो कि आपको हर्ट कर सकती हैं उसके ऊपर आपको संयम रखना है। अगेन अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हैं तो अपनी वाणी पर संयम जरूर रखिएगा कि आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किस तरह से अपनी बातों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसका बहुत ही बैड इफेक्ट आपकी काम पर दिखाई दे सकता है, यानी कि इंटेंस वाइब्रेशंस रहेंगी तो कुछ भी ऐसा हो सकता है जो बिना कहे किसी को कोई बात बुरी लग जाए। तो अगर कुछ भी ऐसा होता है, अगर आप एक व्यूअर हैं तो आप इस एनर्जी को समझते हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इग्नोर कीजिएगा क्योंकि एनर्जीज इस तरह की हैं। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि ऐसा कोई काम ना हो जिससे कि कोई ना कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई आपकी जो रेपुटेशन है उसके ऊपर कोई फर्क आ जाए। हालांकि आपको यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं अनकंफर्टेबल लगेंगी, पर ये अनकंफर्टेबल होंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपके मन में जो है बहुत ज्यादा प्रेरणा बनी रहेगी, बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन बना रहेगा कि ठीक है, लाइफ मेरे सामने जो भी दे रही है, मुझे इसका सामना करना है और मुझे आगे बढ़ना है, मुझे भी देखना है कि मेरे लिए लाइफ और क्या खराब कर सकती है। शेयरिंग का मैसेज है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। अगर आप रेजिस्ट नहीं करते, अगर आप बदलाव के लिए तैयार हैं, अगर आपको अपने कर्मास पे भरोसा है कि आपने गुड कर्मास किए ही हैं और आपको कोई शक नहीं है इसमें, यहाँ पर ये कार्ड आपकी एनर्जी के आगे बढ़ने की बात करता है। और यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक जिसमें मैंने आपको दिखाया था क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है, आपके लिए जो इंस्पिरेशन है बहुत ज्यादा रहेगी। अपने आइडियाज को जरूर सुनिएगा क्योंकि आपके आइडियाज आपको बहुत ज्यादा प्रेरित करेंगे अपनी ग्रोथ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। आप जिस भी काम को आगे बढ़कर करना चाहेंगे उसको जरूर करेंगे क्योंकि आपके कामों से बहुत लोगों का भला होने वाला है। अपनी अथॉरिटी में रहने की पूरी कोशिश करेंगे, यानी कि आप जो कुछ भी कहेंगे उसमें एक प्रभाव होगा, लेकिन साथ ही साथ अगर आपको लगे कि कहीं कुछ चेंजेस आपको करने हैं, अपने किसी नियम कानून को आपने बदलना है, तो वहां पर उसको बदलने की कोशिश भी जरूर कीजिएगा, उससे भी आपको फर्क पड़ेगा और उससे उसका असर भी आपको दिखाई देगा। हालांकि बहुत सारा जो दुख है आपके अंदर ऑलरेडी है, चल रहा है और आप एक हीलिंग वाले प्रोसेस के अंदर हैं, लेकिन फिर भी जब आप यहाँ पे इन चीजों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अपने आप को और भी ज्यादा अभी आपको इमोशनली बैलेंस करना है, तभी आप चीजों में आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ी सी फ्लेक्सीबिलिटी आप दिखा सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी फ्लेक्सीबिलिटी दिखाएंगे अपने इमोशंस में या आने वाले चेंज के लिए, तो बहुत सारी चीजें आपके लिए हो जाएंगी। फ्लेक्सीबल होना इसलिए आपके लिए जरूरी है क्योंकि टॉरस जो है, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि एक फिक्स्ड साइन है, तो चीज़ों को बहुत जल्दी बदलने नहीं देता, चीज़ों को बहुत जल्दी खत्म नहीं होने देता। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें डेफिनेटली रहेंगी जिनको आपको चेंज करना है। आपके लिए ये एक ट्रांजिशन पीरियड थोड़ा सा हीलिंग और रेस्ट लेकर आ रहा है, तो आपको इस प्रोसेस से भी गुजरना होगा, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये कार्मिक कार्ड भी कहता है कि आपके जो पक्ष में चीजें टर्न होंगी, क्योंकि आप बहुत सारी समय से चीजों को कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो ट्रांजिशन पीरियड रहेगा आप में से बहुत लोगों के लिए गुड लक लेकर आ रहा है, तो एक्शन का टाइम तो ये रहेगा ही रहेगा, इसलिए अपने आइडियाज को आपको जरूर सुनना चाहिए और जितना भी ज्यादा हो सके आप रेस्ट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, यानी कि पानी का ध्यान रखिएगा कि आप पानी सही से पी रहे हैं। साथ ही साथ आप कोशिश ये भी कीजिएगा कि आप आराम जितना कर सके, जब भी आपको लगे आप आराम जरूर कीजिएगा। और कुछ ट्रुथ आपके सामने ऐसे आ सकते हैं, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है ये एक महीने का रहेगा, तो कुछ ऐसी सच्चाइयां भी आपके सामने आ सकती हैं जो कि शुरू में आपको हिला दें, लेकिन बाद में आप उनसे रिकवर कर जाएंगे। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय का, तो किसी भी सिचुएशन के लिए अपने हार्ट को आपको ओपन करना चाहिए लव और जॉय के लिए, ताकि आपकी ये हीलिंग जो है बरकरार रह सके। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी काफी टाइम से बताती आ रही हूँ, अभी भी बता रही हूँ, कि ये जो टाइम पीरियड है ना लूनर इक्लिप्स का, ये आपके अंदर एक आग को जलाएगा, और इस आग को आपको ये देखना होगा कि वो उतनी ही जले जितनी से आपको प्रेरणा मिले। किसी से कोई दुश्मनी करना, किसी के लिए कोई बैड वाइब्रेशन रखना, बैड इंटेंशन रखना, या फिर अपनी लाइफ में इतना ज्यादा एग्रेसिव हो जाना या एग्रेसिव होकर कोई काम करना, वो उस तरह का काम करेगा जिससे आप जलेंगे। तो अपने आप को प्रेरित करने के लिए जलाना है या फिर अपने आप को जला के भस्म कर देना है, ये टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करने वाला है, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने आप को नर्चर करेंगे इस टाइम पीरियड में, उतना ज्यादा आपकी रिकवरी होगी और आपके कर्मास आपको यहाँ पे पेट करेंगे और अपनी आप अथॉरिटी में आएंगे।
सीकिंग गुड लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। जैसे कि मैंने कहा कि आपको हो सकता है कि अभी इस टाइम पीरियड में आपको बहुत कुछ अच्छा ना लगे या फिर आने वाले टाइम पीरियड में आपको अच्छा ना लगे, लेकिन जैसे कि ये जो प्रोसेस आपका चलेगा ना, ये आपके लिए गुड लक लेकर आ ही रहा है। इसलिए आपसे कहा भी गया है लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। तो याद रखिएगा, चाहे आपके सामने कोई ट्रुथ आए, चाहे आपके सामने कोई ऐसी बात हो, उसमें क्या सबसे अच्छा है इसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। तो जितना ज्यादा आपका ध्यान इस तरफ होगा उतना ही ज्यादा जल्दी आप चीजों को देख पाएंगे, उनमें चेंजेस कर पाएंगे और अपनी लाइफ में ग्रोथ कर आप आगे बढ़ पाएंगे। तो गाइडेंस फ्रॉम मून में से क्या आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, चैनल मैसेजेस में से देख लेते हैं। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे, टेक एक्शन। तो क्या एक्शन लेंगे आप, जैसे कि मैंने कहा एक्शन ओरिएंटेड ही रहने वाला है ये लूनर इक्लिप्स फुल मून का। तो ध्यान रखिएगा कि आप क्या एक्शन लेते हैं, और एक्शन लेने आपके लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये 9 का कार्ड है, आपके लिए कुछ चीजें एंड हो रही हैं लेकिन वो हो नहीं पा रही हैं, क्योंकि आपके शायद किसी न किसी एक्शन में कोई कमी हो रही है। न्यू लव इज कमिंग, तो डेफिनेटली किसी ना किसी चीज से आप रिकवर करेंगे, तो यहाँ पे नए रास्ते भी खुलेंगे, न्यू एनर्जीज भी आएंगी। रेजिस्ट नहीं कीजिए, अगर कोई रिश्ता जा रहा है उसको जाने दीजिए। अपनी तरफ से अगर आप एफर्ट कर चुके हैं तो अब आपको उसको और ज्यादा रोकने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे और ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन में ये न्यू लव आप खुद से भी कर सकते हैं रिकवरी के बाद, ये न्यू लव आप अपने लोगों से भी कर सकते हैं, और ये आपके लिए कोई ऐसा रिश्ता भी हो सकता है जो कि आपकी लाइफ में खुशियां लेकर आएगा। क्रिएट लव इन दिस सिचुएशन, जैसे आपसे कहा गया है लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। तो आपको बहुत सारे अनकंडीशनल लव को देने की जरूरत पड़ेगी। क्रिएट लव इन दिस सिचुएशन, तो आपके आसपास जो लोग हैं या फिर आप जहां काम करते हैं, आपके वर्क एरिया में जो लोग हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आप उनमें एक अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशंस को भेजिए। आप चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कीजिए और अपने आप पर एक प्रेशर नहीं डालिएगा। आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप अपने आप को स्मूथली लेके चले, यानी कि सब कुछ आराम से हो रहा है, काम आप अपने कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं उनका आप वेलकम कीजिए, जो चीजें जा रही हैं उनको गुड बाय कीजिए और अपनी लाइफ में एक लाइट एनर्जी के साथ में आगे बढ़िए। योर सोल नोस यू आर गुड एनफ, आप अपने लिए चीजें कर सकते हैं, ये विश्वास आपको होना चाहिए और वो चीजें अपने आप आपके लिए हो जाएंगी। आपको जो रिचुअल करना है, आपको ये करना है कि आपको एक चेयर पे बैठ जाना है। आपको जैसे पता ही है कि अपने स्पेस को हम क्लीन करते हैं, अपने स्पेस को क्लीन कीजिएगा, एक चेयर पे बैठ जाइएगा और अपने पैरों को जमीन से टच हो आपके पैर, इस तरह से बैठिएगा। और अगर आपको अनकंफर्टेबल लगता है कोई कपड़ा बिछा लीजिएगा, और आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं बैठ सकते तो बेशक कुछ पहन लीजिएगा। आपके पैर जमीन से टच होने चाहिए और कोई ग्राउंडिंग मेडिटेशन आप जरूर देखिएगा। आप लोगों को ग्राउंडेड होने की जरूरत पड़ेगी और अपने आप को हील करने की जरूरत पड़ेगी। तो जो भी ग्राउंडिंग मेडिटेशन आपके काम में आ सके उसको आप सुन लीजिएगा और उससे अपने आपको ग्राउंड जरूर कीजिएगा। और याद रखिएगा कि जब भी आप ग्राउंडिंग मेडिटेशन करते हैं तो हम उन चीजों को रिलीज करते हैं ग्राउंड में, यानी कि मदर अर्थ की एनर्जीज के अंदर, जो हमें सर्व नहीं कर रही होती या जिनको हम अपनी लाइफ से भेजना चाहते हैं, चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे कोई वो इमोशन हो, चाहे लोगों की एनर्जीज हो, हम उनको रिलीज करते हैं। तो आपको ग्राउंडिंग मेडिटेशन करना है अपनी चीजों को रिलीज करने के लिए और अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए। आपकी बहुत सारी हीलिंग जरूर होगी इस टाइम पीरियड में, देखिएगा कि ये आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। तो मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं इस फुल मून की, देव दीपावली की और गुरु नानक जयंती की। होप कि यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहे और आप अपनी चीजों में बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन टू, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि फुल मून और लूनर इक्लिप्स की एनर्जी जो टॉरस में है किस तरह की रहने वाली है आप लोगों के लिए। तो पहले एक बार कार्ड्स ले लेते हैं, उसके बाद ही देखेंगे कि ये एनर्जीज किस तरह की आपके लिए रहने वाली है। तो अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि इस बार इंट्रो वैसा नहीं रहा है, तो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैंने पिछले काफ़ी वक्त से ये नोट किया है कि जितना बड़ा वीडियो होता है उतना व्यू ड्यूरेशन नहीं आता है। यानी कि जो एनालिटिक्स आते हैं वीडियो के, वो कहते हैं कि आप लोगों में से बहुत लोग सिर्फ पिका कार्ड ही देखते हैं, रिचुअल और इंट्रो नहीं देखते हैं। तो उससे क्या होता है पिका कार्ड देखने से, खाली कि आपको जो इसके एनर्जीज हैं वो नहीं पता चलती। हो सकता है आपको लगता है कि वो जरूरी नहीं है, लेकिन यकीन मानिए वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए अब से मैंने डिसाइड किया है कि जो ही पिका कार्ड रीडिंग हुआ करेगी, मैं उसके अंदर ही इसके बारे में आपको बताऊंगी, और रिचुअल भी मैं आपके एनर्जीज के हिसाब से आपको बताऊंगी कि कौन सा रिचुअल आपको सूट करेगा। हो सकता है सभी के लिए एक जैसा ही रिचुअल हो, और हो सकता है किसी के लिए कोई अदर रिचुअल की एनर्जीज आ रही हो। तो जो ये फुल मून रहने वाला है, ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ के अंदर एक बड़ा शिफ्ट लेकर आएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटेंस रहेंगी इसकी वाइब्रेशन, और आपकी लाइफ में ये आपके इमोशनल स्टेट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। अपनी वाणी पे संयम जितना आप रखेंगे, अपने बोलने के ऊपर आप जितना संयम रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी।
जितना ज्यादा आप आगे बढ़ना चाहेंगे या फिर आप आगे बढ़कर चीजों को में आप एक लीडरशिप क्वालिटी दिखाना चाहेंगे, यानी कि कुछ बढ़ चढ़कर अगर आप बोलते हैं या फिर आप गुस्से में कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो यकीन मानिएगा इसका बहुत बुरा प्रभाव जो है आपके ऊपर पड़ सकता है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्टेबल करके चलें, क्योंकि जो स्टेबिलिटी है उसकी कमी रहने वाली है। जो टॉरस साइन है वो बहुत ही फिक्स्ड साइन है, तो इसमें इस टाइम पीरियड में इसमें इक्लिप्स भी लगा हुआ है और इसके अंदर फुल मून भी है और इक्लिप्स भी है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी स्टेबिलिटी के ऊपर फर्क डाल सकता है या फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब कर सकता है। तो अगर आपको लगे कि आप डिस्टर्ब हो रहे हैं या कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा अपने आप को अनकंफर्टेबल करने की जगह आप उस सिचुएशन को समझें और उसमें देखें कि आप क्या सीख रहे हैं। परिवार आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, यानी कि जिन लोगों ने भी ऑप्शन टू चुना है, आपके लिए फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप में से हो सकता है कुछ लोग अपनी जो ये टाइम पीरियड ऐसा रहेगा जब आपके सामने या तो अपनी फैमिली की कोई बातें, फैमिली की कोई हिस्ट्री, या जिन लोगों को आप जानते हैं बहुत ही क्लोजली, जिनको अपनी फैमिली मानते हैं, उन लोगों के बारे में आपको कुछ यहाँ पे जानने सुनने या समझने का ऐसा हो सकता है कि कुछ सामने आए, यानी कि आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ समझना पड़ेगा उनके बारे में कि अब तक जो आप जानते थे क्या आप जानते थे और आप क्या समझते थे और वो चीज़ें क्या निकली, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जहाँ पे कोई ना कोई हिस्ट्री रिवील हो सकती है। चीज़ें बाहर निकलेंगी क्योंकि ये कहीं ना कहीं मिस्ट्रीज को बाहर निकालने के लिए आया है, आपको चीज़ें अनकंफर्टेबल कर सकती हैं, इसलिए अपने आप को चेंजेस के लिए तैयार रखिएगा और ये देखिएगा कि उस सारी सिचुएशन में आप क्या सीख रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है 9 of Wands का, तो आपके कार्ड सीख लेते हैं एक, ओके ये कार्ड्स और ले लेते हैं, फिर देखते हैं कि आपके लिए किस तरह की एनर्जीज हैं। टोटली इन टॉरस के अंदर लूनर इक्लिप्स भी है, तो ये कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम करेगा, इसलिए आपको कोशिश भी यही करनी चाहिए कि आप उस आग में जब घी डले तो उसको और ज़्यादा आप ज्वाला या हवा ना दें जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि देखिए थोड़ी सी आग होती है, ऊर्जा होती है ना, और वो बैलेंस में रहे तो फिर वो आपको शक्ति देती है, लेकिन जब ऊर्जा या आग बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो फिर जलाकर भस्म कर देती है। तो इस तरह की किसी भी एनर्जी से बचिएगा जो कि आपको आग नहीं देके आपको भस्म कर दे, तो वो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं साबित होती। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप ऐसी किसी भी सिचुएशन में ना पड़े जो कि आपको किसी ना किसी द्वंद में डालती हो। और यहाँ पर आपके लिए जो पहला कार्ड है, ये कार्ड कहता है इट्स नेवर टू लेट टू क्रिएट ए न्यू बॉडी। आपकी जो हेल्थ है बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रहेगी फुल मून के अंदर, और इसका असर इसलिए भी पड़ेगा क्योंकि आपका जो खाना पीना है, आपके शरीर में जो लिक्विड है, आपका जो मन है या फिर आपकी जो मदर है, वो उन सबको रिप्रेजेंट करता है मून, और उसके अंदर इक्लिप्स है तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव उस पर रहेगा, यानी कि विचलित रहेंगे। इमोशनल ईटिंग आप बहुत सारी कर सकते हैं या करने की कोशिश कर सकते हैं, एक ही जगह पर अगर आप पिछले काफी वक्त से रुके हुए हैं तो आपके लिए बहुत ही पुश करने वाला रहेगा ये फुल मून। क्यों रहेगा? जब प्लेनेटरी चेंजेस होते हैं तो ये आपको कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए प्रेरित करते हैं, तो कुछ ना कुछ ड्रामेटिक रहेगा आप लोगों के लिए, जहां पे कभी आप इमोशनली अप होंगे, कभी आप इमोशनली डाउन होंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। इसलिए एक जगह बैठना नहीं है, याद रखिएगा इस बात को, अगर आप एक ही जगह एक ही सिचुएशन एक ही हालातों के साथ रुके रहेंगे बैठे रहेंगे तो भी सिचुएशन आपके लिए चेंज नहीं होगी। इवन द स्लाइटेस्ट चेंज इन योर डाइट कैन जनरेट अ न्यू बॉडी एंड अ फ्रेश माइंड। अवॉइड ईटिंग एनीथिंग टूडे दैट क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट इन यू। ऑब्जर्व हाउ इंस्टेंटली योर बॉडी मैनिफेस्ट अ ग्रेटफुल फीलिंग। तो आपको अपनी हेल्थ को जरूर ध्यान देना चाहिए इस टाइम पीरियड में, क्योंकि आपको एक फ्रेश माइंड के साथ इस एनर्जी में जाना चाहिए। और यहाँ पर भी देखिए आपके लिए माइंड का कार्ड ही निकला है, यानी कि आपका जो माइंड है शायद बहुत ज्यादा काम कर रहा है और बहुत ज्यादा मशीनी बना हुआ। आप शायद पिछले काफी वक्त से बहुत काम कर रहे हैं और शायद अपनी हेल्थ की तरफ उतना ध्यान आप नहीं दे रहे हैं। आपके दिमाग को यहाँ पे कंट्रोल करने की जरूरत है। ये कंट्रोल ऐसा नहीं है जिसमें कि आप कंट्रोल कर लें और अपने हिसाब से चलाएं, ये कंट्रोल ऐसा है कि जिन बातों की जरूरत ही नहीं है उसमें अपने आप को मशीनी बनाने के बजाय आप थोड़ा सा नॉर्मल अपने आप को करें और चीजों को ड्रामेटिक आप खुद भी ना बनाएं। पिछले काफी समय से शायद कोई ना कोई ड्रामा आपके आसपास चल रहा है और उस वजह से भी आपको बहुत सारी दिक्कत हो रही है, तो कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन रहेगी जहां पर आगे बढ़ने की कोशिश आप जरूर करेंगे करिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे किसी ऐसी एनर्जी में स्टक हैं। स्टेबिलिटी की बात करती है, आपकी हेल्थ को स्टेबल होने की जरूरत रहेगी, लेकिन जिस जगह जिस बिलीफ सिस्टम पे आप एक ही जगह रुके हुए हैं वहां से आपको आगे पुश किया जाएगा और कहीं ना कहीं एक्शन लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। देखिए कोई भी चीज हमेशा वही चीज काम में आती है जो कि आपकी प्योर इंटेंशन के साथ में होती है, खासतौर से जब इस तरह की इंटेंस एनर्जीज होती है ना, तो आपकी जितनी प्योर एनर्जीज होती है ना उतना ही जल्दी आप उस चीज से बाहर निकल आते हैं। यकीन मानिए 11/11 पोर्टल के बाद में से अब
ये वक्त नहीं है कि आप लोगों पे ध्यान दें कि वो क्या कर रहे हैं। अगर आप अपनी हेल्थ का, अपनी वेल्थ का, यानी कि अपनी मनी का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं, अगर आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन भी सही नहीं ले रहे हैं या नहीं लेंगे, तो उसका असर भी सबके ऊपर पड़ने वाला है। एक कलेक्टिव वाली एनर्जीज है, और खासतौर से जिनकी राहु की, सूर्य की, चंद्र की दशा या महादशा चल रही है, उनका भी, उनके ऊपर भी असर पड़ने ही वाला है। तो इसलिए आप बहुत ही सोच समझ के और संयम के साथ अपने जीवन में चलने की कोशिश कीजिएगा। और इक्लिप्स है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप हर चीज से प्रभावित ना हो, थोड़ा सा अपनी जो डेली लाइफ है उसको नॉर्मल करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड में वो डेली रूटीन्स जो है वो डेली रूटीन में नहीं रहेंगी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा। ये कार्ड कहता है कि अगर घर में शांति होती है तो फिर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है। तो क्या आपके घर का वातावरण ऐसा है जहाँ पे आप खुद को रिन्यू कर सकते हैं, जहाँ पे एक गर्माहट आपको मिलती है, जहाँ पे एक प्यार आपको मिलता है? अगर ये आपके घर का वातावरण नहीं है तो इसको बदलने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो ये आपके लिए जरूरी इसलिए भी है, आपके घर का वातावरण, ये कार्ड भी हीलिंग का है। आप हो सकता है पिछले काफी वक्त से घर लेना चाहते हैं, हो सकता है कि आप अपने माता पिता के साथ रहना चाहते हो, तो ये चीजें भी आपको पुश करेंगी अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। ये हीलिंग का कार्ड भी है, तो एक हीलिंग आएगी आपके परिवार के अंदर। अगर आप खुद को मेंटली और फिजिकली हील करते हैं तो आपका परिवार भी हील होगा। आपके जिस तरह के कार्ड आए हैं ना, ये टोटली आपकी हीलिंग की बात करते हैं। जैसे कहते हैं कि माइंड, बॉडी, हार्ट और स्पिरिट की हीलिंग की बात, ये एक्चुअली ओवरऑल आपके ऊपर इफेक्ट डालने वाला है। तो इसलिए कोशिश आप यही कीजिएगा कि अपने परिवार में भी अगर कोई ऐसी बात होती है, कोई ऐसी बात आपके सामने आती है, कोई फैमिली की हिस्ट्री सामने आती है, तो उससे घबराने की बजाय या फिर उसमें आप परेशान होने की बजाय ये देखिएगा कि आप अपने घर का वातावरण कैसे ठीक रख सकते हैं, या उस सारी सिचुएशन में आपने क्या सीखा। याद रखिए, मैंने कहा हिस्ट्री सामने आ सकती है, कोई मिस्ट्री सामने आ सकती है, तो उस सिचुएशन में आपने क्या सीखा या क्या क्या आप सीख सकते हैं, उसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। आपके लिए जो ये नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड कहता है कि कॉन्स्टेंटली मेंटेन अलर्टनेस इन वॉकिंग, सीटिंग, ईटिंग एंड स्लीपिंग। जैसे कि मैंने कहा कि हर चीज के तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। आपको हमेशा मेडिटेट करने की जरूरत नहीं है कि आप अपने प्रेजेंट टाइम में आप अटेंशन रखें, आपको सिर्फ ये करना है कि आप अवेयर रहें कि आप क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यानी कि आपके नाव में आप क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट में आप क्या कर रहे हैं, उसकी तरफ आपका फोकस होना चाहिए। अगर अगेन आप पास्ट की चीजों को सोचेंगे तो आप परेशान होंगे, अगर आप फ्यूचर की चीजों को सोचेंगे तो आप परेशान होंगे, क्योंकि ये आपके अंदर ना एक जैसे कितने कुलबुलाहट मची रहेगी, बेचैनी रहेगी कि चीजों से किस तरह से आप बाहर निकलें, और वो आप कर पाएंगे क्योंकि द लवर्स का कार्ड आपको यहाँ पे प्रेरित करता रहेगा या प्रेरित कर रहा है कि आप अपनी सिचुएशन को बैलेंस करें, एक पार्टनरशिप को, एक कंपेनियनशिप को आप बना के रखें। तो प्रेजेंट मोमेंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि आप उस टाइम पीरियड में क्या कर रहे हैं या किस तरह से कर रहे हैं, और तभी आपकी लाइफ में कोई ना कोई हार्मनी आएगी, तभी कोई ना कोई आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। आप में से जिन लोगों ने भी इस पाइल को चुना है, आपका जो परिवार है या आपका रिलेशनशिप पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है या उसके ऊपर कोई असर आ सकता है, यानी कि अपने परिवार के अंदर एक खुशी को बनाए रखना, एक बैलेंस को बनाए रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। अपने रिश्तों में एक हीलिंग रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। अगर आप ऐसे इंसान हैं किसी कारणवश कि आप रिजिड हो जाते हैं किसी चीज को लेके, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना आपके लिए अच्छा है। अगर आप ये कहते हैं कि सिर्फ आपकी ही बात सही है, तो दूसरे की बात सुन लेना भी अच्छा है। अपने पार्टनर को सपोर्ट करने का यहाँ पे टाइम रहेगा आपके लिए। आपके लिए जो ये नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड आपसे कहता है, मे योर हार्ट सिंग एंड योर सोल रिजॉइस एक्सपीरियंस द वंडर ऑफ लाइफ। ये कार्ड आपसे कहता है कि जो कुछ भी अच्छा है और जो कुछ भी आपकी लाइफ में अच्छा है, उसको ब्लेस कीजिए, अपनी लाइफ को ब्लेस कीजिए, और ग्रेटिट्यूड की पावर को आप जानिए। अप्रिशिएटिंग योर ब्लेसिंग्स इंक्रीजेस द वाइटलिटी ऑफ योर लाइफ फोर्स। तो आप अपनी लाइफ में जब ब्लेस करेंगे चीजों को, जब आप ग्रेटिट्यूड देंगे और अपनी ब्लेसिंग्स की तरफ आप फोकस करेंगे, तो अपने आप उन सारी चीजों से बाहर निकल जाएंगे जो कि आपके हार्ट को कहीं ना कहीं हर्ट करेंगी, या फिर आप अपनी किसी सिचुएशन की वजह से परेशान होंगे। जो फाइनेंशियल डिसीजन है उनको बहुत सोच के लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है थोड़ी सी दिखाई दे रही है आप लोगों के ऑप्शंस के अंदर, और जैसे कि ये टाइम पीरियड आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा ही करेगा। ये कार्ड है इनर वॉइस का, अपनी इंट्यूशन को सुनिएगा। जो कुछ भी आप करेंगे, आप तभी सुन पाएंगे सही बातें जब आपके माइंड को आप परेशान करना बंद कर देंगे। अगर आपको लगता है कि चीजें आपकी नहीं अच्छी हो रही हैं, फाइनेंसिस आपके अच्छे नहीं हैं, तो प्रेयर करना शुरू कर दीजिए। जितना ज्यादा आप प्रेयर करेंगे, जितना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड देंगे, उतना ही ज्यादा आपके घर की, आपके मन की, आपके तन की और आपके रिश्तों की स्थिति ठीक होगी। यानी कि ओवरऑल हर एरिया के ऊपर आपके इफेक्ट कुछ ना कुछ पड़ता रहेगा। करेज का यहाँ पर मैसेज है, तो ये साहस आपको बनाए रखना होगा ताकि
अपनी इंट्यूशंस को आप सुन सकें और अपनी विल पावर को आप यहाँ पर देख सकें, समझ सकें और उसके साथ आप आगे बढ़ सकें, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रेंथ लगेगी यहाँ पे और ये आप बहुत ना कामली ले सकते हैं, बहुत कूल जैसे तरीके से आप लेकर आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो ये कार्ड है, ये कार्ड कहता है इन साइलेंस वी मोस्ट रेडली प्रिजर्व अवर इंटीग्रिटी, योर सोल थ्राइव्स ऑन साइलेंस। आपकी सोल को शांत होने की जरूरत है, जैसे कि मैंने कहा आपका दिमाग बहुत मशीनी हो चुका है। फ्रॉम डीप इनसाइड यू रिसीव योर मोर सर्टेन गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शन, तो आपको अपने अंदर से ही वो चीजें सुनने को मिलती हैं, जैसे कि मैंने आपसे बोला भी है कि इनर वॉइस आप सुनिएगा। और इन साइलेंस यू आर विदाउट डिस्ट्रेक्शन, दिस इज वाई वी फियर साइलेंस, वी फियर इट्स पावर, इंजॉय क्वाइट मेडिटेशन टूडे। और देखिए ये कार्ड भी इनर वॉइस की बात कहता है, अपने अंतर्मन की आवाज को सुनना जरूरी रहेगा। जो कुछ भी आप करें उसमें एकदम से कोई डिसीजन लेने के बजाय या गुस्सा होने के बजाय ना, आप ये देखिएगा कि उसके अंदर क्या चीजें ठीक हो सकती हैं या क्या चीजें आप बेहतर कर सकते हैं। थोड़ी सी एनर्जीज क्लीन कर दी है मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों की ओवरऑल जितनी भी एरिया होंगे लाइफ के ना, उस पे असर रहने वाला है। इसलिए आप भी कोशिश यही कीजिएगा कि आप एक्शंस लें और आपको ना अपने बारे में भी कुछ ना कुछ ट्रुथ यहाँ पे समझ में आएंगे। कुछ लोगों को अपनी हेल्थ के बारे में कुछ समझ में आएगा, कुछ पता चलेगा, कुछ लोगों को ये समझ में आएगा कि कैसे खुद को बैलेंस रखकर लाइफ में आगे बढ़ा जाता है। आपको ये भी समझ में आएगा कि किस तरह से आपको एक्शन लेने चाहिए। आपको ये भी समझ में आएगा कि जो बातें अभी तक आपके सामने नहीं आई थी वो क्या थी और उनके पीछे का कारण क्या था, यानी कि बहुत कुछ आपको यहाँ पे पता चलेगा। और कुछ मामलों में हो सकता है कि आप में से कुछ लोग थोड़ा सा अकेलापन महसूस करें या फिर आपको लगे कि आपका पार्टनर आपकी तरफ उतना ध्यान नहीं दे पा रहा है फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से या फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से, तो वहां पर थोड़ा सा एडजस्ट आपको करना चाहिए। तो थोड़ा सा अगर आप चीजों में एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा चीजों को समझेंगे, तो अपने आप ही सारी सिचुएशन ठीक हो जाएगी। देखिए इसका जो प्रभाव है, इस लूनर इक्लिप्स का प्रभाव रहेगा एक महीने तक, तो एक महीने तक आपको चीजों को संभालना होगा। लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न्स, तो हंसने की जरूरत रहेगी आपकी जो भी सिचुएशन है वहां पे, एक गर्माहट क्रिएट करने की जरूरत है। हो सकता है कि बहुत सारे टेंशन हो सकता है बहुत सारी परेशानियां हो सकता है बहुत सारे प्रेशर हो आप लोगों के ऊपर, लेकिन जो भी सिचुएशन आएगी उसमें हंसकर आपको चीजों का सामना करना है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है ओपनिंग्स का, अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू, कोई ना कोई नया रास्ता आपके लिए खुल रहा है, ये ट्रस्ट आप जरूर रखिएगा क्योंकि खुल रहा है। जो भी आप क्राइसिस इस टाइम पीरियड में फेस करेंगे, आप में से कुछ लोगों की हो सकता है राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा कुछ ऐसी चल रही हो जहां पर आपको थोड़ा सा परेशानी हो रही है या हो सकती है। फेदर का यहाँ पे कार्ड है, कार्ड कहता है कि आपके यूनिकॉर्न्स आपके आसपास ही हैं, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूनिकॉर्न्स लाइट एनर्जीज को कैरी करते हैं, तो जब भी आप उनको कॉल करेंगे या उनसे हेल्प मांगेंगे वो आपकी मदद जरूर करेंगे। नए रास्ते खुल रहे हैं, इसलिए चीजों को भी नए तरीके से करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आप में से कुछ लोगों को ना ये समझना होगा, स्पेसिफिकली अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या अगर आप मैरिड हैं या फिर अगर आप किसी पार्टनरशिप में हैं, तो कि आपके पार्टनर को भी आपको नर्चर करना होगा। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर आपके पार्टनर के ऊपर आप थोड़ा सा एग्रेसिवली उससे बात करते हैं या आपका पार्टनर थोड़ा सा एग्रेसिवली बात करता है आपसे, तो यहाँ पे एक बैलेंस करना होगा। अपने पार्टनर को अपने समान आपको समझना होगा, तो जाकर आपकी कुछ सिचुएशन यहाँ पे चेंज होगी, क्योंकि शायद आपका पार्टनर के क्योंकि आपके पार्टनर के ऊपर भी इसका असर होगा, है ना। तो यहाँ पे मिलजुल के काम को करना होगा। यूज हेलीकॉप्टर व्यू, आप में से कुछ लोगों को किसी भी सिचुएशन के बड़े व्यू को देखने की जरूरत रहेगी। हार्श डिसीजन करने से आप लोग स्पेसिफिकली बचिएगा ऑप्शन टू वाले, क्योंकि यहाँ पर आपका दिमाग शायद आपके ऊपर इतना हावी या तो रहता है फिर रहेगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप अपने दिमाग की सुनेंगे या आपको लगेगा कि आप जो कह रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं, आप जो समझ रहे हैं, बस वही सही है। रिलीज व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स टू यू, फुल मून हमें प्रेरित करता ही है रिलीज करने के लिए चीजों को, तो रिलीज कीजिएगा जिन चीजों की जरूरत नहीं है। आप में से कुछ लोगों को जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है, अगर आप अपने पार्टनर को लेकर जजमेंटल हो जाते हैं तो उसकी नीड नहीं है। Never let pride ruin everything. तो कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पे आपका प्राइड आपके आड़े आ जाए। इमोशनल बस्ट का यहाँ पे मैसेज है, ये चीज बहुत रहने वाली है। इमोशनल बस्ट की जो एनर्जीज हैं बहुत रहेंगी फुल मून के टाइम पीरियड में। तो यहाँ पे अच्छा क्या है, यहाँ पे अच्छा ये है कि आपको ये चीजें पहले से पता हैं। अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो आप जानते हैं कि आपको हल्की फुल्की एनर्जीज के अंदर सब चीजों को टालना है। आपको किसी भी चीज को बड़ा नहीं करना है, आपको किसी भी चीज को अपने दिमाग पे हावी नहीं करना है, अपने अंतर्मन की सुननी है और ये स्ट्रेंथ आपको पता है आपके अंदर ही है। अपने पार्टनर को सपोर्ट करना है और किसी चीज में रिजिड नहीं होना है, तो आपके लिए अपने आप ही चीजें खत्म हो जाएंगी। जो चीजें
जरूरत नहीं होगी, वो रिलीज हो जाएंगी अपने आप ही, जो नए दरवाजे हैं वो आपके लिए खुल जाएंगे। यानी कि डेफिनेटली इंटेंस तो रहेंगी इसकी एनर्जीज। और देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी है हीलिंग एनर्जीज का मैसेज, तो हीलिंग जो है आपको बहुत सारी मिलेगी जरूर यहाँ पे, एनर्जीज भी इंटेंस रहेंगी, लेकिन अगर आप अपने आप को संभाल कर आगे बढ़ेंगे और इन सारी सिचुएशंस को, बातों को याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो आपके लिए रिचुअल देख लेते हैं कि आपके लिए रिचुअल क्या है। ऑप्शन वन के लिए जो था वो ग्राउंडिंग मेडिटेशन का रिचुअल था, और आपके लिए यहाँ पे आपको यहाँ पे पानी के साथ में काम करना चाहिए। ये रिचुअल ऐसा है कि जैसे कि आप हमेशा ही रिचुअल करते हैं फुल मून और न्यू मून पे, पहले बैठिएगा, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कर लीजिएगा, अपने आप को क्लीन कर लीजिएगा, एक गिलास पानी का ले लीजिएगा, एक कागज और पेन ले लीजिएगा, उस कागज और पेन पे अपनी बैठने के बाद में उस कैंडल को जला लीजिएगा, और उसके बाद में उस कागज वो लिखिएगा जो चीजें आप रिलीज करना चाहते हैं। रिलीज करने के बाद में, लिखने के बाद में आप उस कागज को साइड में रख दीजिएगा, और या फिर उसको बंद कर दीजिएगा या फिर साइड में रख दीजिएगा, और पानी का वो ग्लास लीजिएगा जो कि आपके सामने रखा हुआ है, उसको अपने हाथों के बीच में पकड़िएगा, चाहे वो स्टील का ग्लास हो, कांच का ग्लास हो, जो भी ग्लास हो आप ग्लास ले लीजिएगा। कांच का होता है तो बेहतर होता है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी आप लेना चाहें, कटोरी लेना चाहें, ग्लास लेना चाहें, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ले लीजिएगा, अपने हाथों के बीच में रखिएगा और उसको ब्लेस कीजिएगा, यानी कि उसको थैंक यू बोलिएगा अपनी लाइफ में, जो भी आपकी लाइफ में अच्छा है, चाहे वो आपका रिश्ता है, चाहे वो आपके लिए खाना पीना है, आपके कपड़े हैं, आपके लोग हैं, आपकी खुशियां हैं, आपकी कोई ग्रोथ है, उसको थैंक यू बोलिएगा कि आप ब्लेस करते हैं वाटर को, ताकि आपकी लाइफ में और भी ज्यादा खुशियां आ सकें। और अपनी लाइफ में आप ग्रेटिट्यूड देते हैं सारे डिवाइन एनर्जीज को, जो भी आपकी लाइफ में है उन चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड देते हैं, जो रिश्ते हैं उन चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड देते हैं, जो खाते पीते हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड देते हैं, और साथ ही साथ जो चीजें आपने रिलीज कर दी हैं और लाइफ में अब न्यू बिगनिंग्स होंगी, आप उन चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड देते हैं कि लाइफ में आपकी न्यू बिगनिंग आएंगी। ये न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू, आपसे कहा भी गया है नया रास्ता खुलेगा तो उसके लिए पहले ही धन्यवाद आप दे देंगे। उसके बाद इत्मीनान से आप उस पानी को पी लीजिएगा, और उसके बाद आप मेडिटेशन कीजिएगा, और मेडिटेशन में आप उस एनर्जी को महसूस कीजिएगा जो कहती है कि आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं, यानी कि जो भी आप नया चाहते हैं अपने लिए, खुशियां चाहते हैं, उन चीजों की तरफ आपको फोकस करना है। उसके बाद में जब आपका मेडिटेशन हो जाएगा तो आप उस कागज को ये तो जला दीजिएगा या डिस्कार्ड कर दीजिएगा, उसके अब हमें कोई जरूरत नहीं है, ना ही खोलकर उसको पढ़ने की जरूरत है। इस तरह से आपका रिचुअल कंप्लीट हो जाएगा। तो होप कि ये मैसेज आपके काम में आए, आपकी मदद करे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। इंटेंस एनर्जीज है लेकिन समझदारी से काम करेंगे तो बहुत कुछ हल हो जाएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि फुल मून इन टॉरस की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली है, जो कि में लूनर इक्लिप्स भी है, तो किस तरह की एनर्जीज रहती हैं ऑप्शन 3 के लिए। तो आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इस बार पिका कार्ड कर दिया है मैंने, सीधा इंट्रो नहीं किया है। तो पहले कार्ड ले लेते हैं और साथ ही साथ देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज हैं, और आपसे दो बातें भी कर लेते हैं। फुल मून और न्यू मून के वीडियोस बनाने में मेरी बहुत मेहनत और एफर्ट लगता है, लेकिन पिछले काफी वक्त से मैं इस बात को देख रही हूँ। मैंने नोट किया है कि इसका व्यू ड्यूरेशन बहुत कम आता है, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पिका कार्ड देखते हैं, वो बिल्कुल भी इंट्रो और रिचुअल में इंटरेस्टेड नहीं होते। तो मैंने ये डिसाइड किया है, क्योंकि देखिए ये वीडियोस जो मैं बनाती हूँ ना स्पेसिफिकली फुल मून और न्यू मून के, या फिर कोई ऐसे स्पेसिफिक वीडियो जो कि प्लेनेटरी चेंजेस से होते हैं या एनर्जी अपडेट के लिए होते हैं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सुने, आप सिर्फ पिका कार्ड ना सुने, आप पूरी की पूरी रीडिंग सुने, वो इंट्रो और रिचुअल को आप मिस ना करें। रिचुअल आप करना चाहें या ना करना चाहें वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग इंट्रो जरूर सुने। हालांकि देखिए सबकी अपनी चॉइस है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती, पर मेरी बहुत मेहनत लगती है। तो अब से मैंने ये डिसाइड किया है कि जो लोग भी पिका कार्ड चुनेंगे इसका, मैं पिका कार्ड के अंदर ही बताऊंगी कि क्या इफेक्ट रहेगा और किस तरह का रिचुअल उनको करना है, क्योंकि इससे आपको सुनना ही पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कर सकती, इससे आपको सुनना भी पड़ेगा और साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि एनर्जीज आपके लिए इंटेंस हैं तो वो किस लिए हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। इसमें हालांकि मुझे और भी एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे हर पाइल के अंदर बोलना पड़ेगा, तो मैं उस एफर्ट्स की चिंता नहीं कर रही हूँ, मैं आप लोगों के लिए एफर्ट्स लगा रही हूँ। अगर इससे आपको कोई भी मदद मिलती है, मेरे लिए यही चीज काफी है। तो फुल मून की एनर्जीज देखते हैं। ओके, तो फुल मून की इस एनर्जीज के अंदर बहुत ज़्यादा इंटेंस है वाइब्रेशंस रहेंगी। फुल मून की ये जो एनर्जीज हैं, लूनर इक्लिप्स की जो एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं ड्रामेटिक रहेंगी, इंटेंस रहेंगी और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जीज रहने वाली हैं। बहुत सारी जो अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट्स हैं आप लोगों की लाइफ में आएंगे, और मून में है क्योंकि
फुल मून के अंदर है, तो कहीं ना कहीं जो आपकी मदर है, मन है, या फिर आपके बॉडी में जो लिक्विड होता है उसके ऊपर प्रभाव होता है मून का, तो इसके ऊपर प्रभाव आएगा ही आएगा। इसलिए सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, अपने इमोशंस का, अपनी मदर की हेल्थ का, अपने खाने पीने का। एक महीने तक इसका प्रभाव रहेगा आप लोगों के ऊपर, तो जो भी असर रहेगा ये एक महीने तक आप लोगों पर प्रभावी रहेगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप लोग एक महीने तक अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस में रख सकें। बाद में देखेंगे कौन सा कार्ड है, पहले कुछ कार्ड्स ले लेते हैं आपके। लूनर इक्लिप्स जो है ना, आपको प्रेरित करेगा चीजों को करने के लिए, क्योंकि आपकी जो अंदर की ऊर्जा है या फिर आग है उसको जलाने की कोशिश करेगा। बहुत सारे बदलाव आएंगे आपके अंदर, और याद रखिएगा जो कुछ भी आप नॉर्मली करते हैं उसको आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में लाने की जो इच्छा है वो आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी है कि कुछ लोगों के पर्दे यहाँ पे जरूर आपके सामने उतरेंगे, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके आपके कोई क्लोज लोग हों जिनको भी आप जानते हैं, यानी कि ये फैमिली से रिलेटेड ज्यादा रहेगा, जिनको आप जानते हैं, ये जो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स भी आपके एक्सटेंडेड फैमिली होते हैं, उनके बारे में ऐसा हो सकता है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जो कि आपके सामने कुछ ना कुछ एक्सपोज करेगा, कुछ ना कुछ हिडन जो है आपकी लाइफ में आपको पता चलेगा। इसलिए उन चीज़ों के लिए भी तैयार रहिएगा। और जब आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है कि पास्ट में जो कुछ हुआ है, जो हिस्ट्री में हुआ है, वो आपको कुछ पता चलता है, तो उसमें ओवर रिएक्ट करने के बजाय आप ये देखिएगा कि तब से अब तक आपने क्या सीखा है या लाइफ को कैसे जिया है। यानी कि अगर आप रिएक्ट कर देंगे तो वो चीज़ें आग में घी का काम करेंगी, क्योंकि लूनर इक्लिप्स है, वो आपके अंदर की जो भावनाएं हैं उनको या तो बढ़ाएगा या फिर आपको डिप्रेशन देगा, आपकी एंजाइटी को कहीं ना कहीं हिट करेगा। देखिए मून के अंदर इक्लिप्स है, ग्रहण है चंद्र के अंदर, है ना, तो वो आपके मन को प्रभावित करेगा ही करेगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि चिड़चिड़े होकर आपको ऐसी बात ना बोल दें जिससे कि आपको बाद में अफसोस हो और वो बात कोई पास्ट की हो, किसी को आप नीचे गिरा दें, किसी की आप बेइज्जती कर दें। तो अपनी वाणी पे संयम आपको रखने के लिए ये फुल मून कह रहा है। साथ ही साथ जो फाइनेंशियल डिसीजंस हो उसकी तरफ आप गौर जरूर कीजिएगा, और आपके सामने इस पाइल के सामने जितनी चीजें खुलेंगी ना वो उतनी और किसी पाइल के सामने नहीं खुलने वाली हैं, क्योंकि आपके सामने डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी बात आएगी या तो जिसका आप काफी वक्त से इंतजार कर रहे हैं, या फिर अभी तक आप उस कड़ी को जोड़ नहीं पा रहे थे कि ये कड़ी आखिर चल क्या रही थी। और याद रखिएगा ये कोई बाहर के लोग नहीं है, आपके प्रोफेशनल लोग नहीं है, या तो ये आपका परिवार है या फिर ये आपकी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ होगा। तो कहीं ना कहीं कलेक्टिव में इमोशनली बहुत ज़्यादा टेंस वाला टाइम रहेगा, तो कोशिश कीजिएगा कि आप चीज़ों को लेके बहुत जल्दी रिएक्टिव ना हो, क्योंकि ये फुल मून आपको रिएक्टिव बनाएगा। और रिएक्टिव आप इसलिए भी नहीं होइएगा, अगर स्पेसिफिकली आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं तो आपको पता है कि कलेक्टिव के अंदर यही एनर्जीज हैं। अगर कोई कुछ कहता है तो ये मान के चलिएगा कि उसके अंदर वो रिएक्शंस आ रहे हैं सिचुएशन की वजह से, क्योंकि प्लैनेटरी चेंजेस हो रहे हैं। तो अगर आप कहीं ना कहीं चीज़ों में थोड़ा बैलेंस रख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। बहुत सारी ऐसी बातें भी आपको समझ में आएंगी जब तक आप समझ नहीं पा रहे थे। तो ये आपको प्रेरित करेगा कि आप किसी ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलें जिसमें आप अभी तक उलझे हुए थे, जिसमें आप अभी तक फंसे हुए थे, जिसमें से अभी तक आप बाहर निकलने में खुद को समर्थ नहीं कर पा रहे थे। आपके लिए तो डेफिनेटली ये जो फुल मून है बहुत ही ज़्यादा चेंजेस लेकर आ रहा है। ऑप्शन 2 चुनने का सोचा था तो आप जरूर सुनिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक भी कार्ड नहीं है वैसा वहां का, लेकिन ना जाने क्यों एनर्जीज वहां से आ रही हैं। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो बाद में सुन लीजिएगा, लेकिन सुन जरूर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि आपकी लाइफ में कहाँ कहाँ इफेक्ट आने वाला है, क्योंकि ऑप्शन 2 में भी कुछ ना कुछ फैमिली से रिलेटेड ही एनर्जीज हैं। तो आपके लिए जो यहाँ पे पहला कार्ड है, ये कार्ड कहता है द डिवाइन डिवेल्स विद इन यू एंड डिजायर दैट यू हील। ईश्वर जो है, डिवाइन जो है, आपके अंदर ही होता है और वो चाहता है कि आप खुद को हील करें। आर यू फुली अवेयर ऑफ दैट प्रेजेंस, क्या आप उसकी प्रेजेंस से अवेयर हैं? कॉल अपॉन द पावर ऑफ द डिवाइन टू अवेकन इट्स हीलिंग फोर्स विद इन यू, बी ग्रेटफुल फॉर दिस मिरेकल। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है 6 of Wands का, तो आपकी किसी सिचुएशन में चेंजेस की बात करता है, हीलिंग की बात करता है। आपके अंदर कोई ऐसा वुंड हो सकता है जिसको शायद आप पिछले काफी समय से हील तो करना चाहते हैं पर आप हील नहीं करना चाहते। जी हाँ, कि आप हील करना चाहते हैं पर चाहकर भी आप हील नहीं कर पाते हैं या करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उस जगह से उन बातों से कोई ना कोई ऐसी मेमोरी जुड़ी है जहां से आप बाहर तो निकल आए लेकिन वो चीजें आज भी आपको हॉन्ट करती हैं। तो यहां पर आपसे कहा गया है कि आपको अब फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है और अब आपको अपनी हीलिंग होने देनी है ताकि एक विक्ट्री आपकी लाइफ में आपको मिल सके, आपकी लाइफ में ग्रोथ हो सके और आप आगे बढ़ सके।
बहुत सारे लोगों की हीलिंग होगी इस टाइम में अगर वो अपनी हीलिंग होने देंगे। हालांकि एनर्जीज बहुत ही इंटेंस आपको साउंड कर रही होंगी, आपको अनकंफर्टेबल भी करेंगी, लेकिन यही जो चीजें यही जो आपकी लाइफ में आपको प्रॉब्लम चीजें करेंगी या कोई ऑब्स्टिकल आपको दिखाएंगी, यही चीजें आपको आपके शेल से बाहर निकालेंगी। यानी कि आपका जो कम्फर्ट जोन है, आपका जो कम्फर्ट जोन है या जहां पर अभी तक आप अटके हुए हैं, वहां से आपको बाहर निकलने के लिए पुश जरूर करेंगी। ये कार्ड कहता है, मे ऑल क्रिएशन डांस फॉर जॉय विद यू। ऑल यू वॉन्ट टू डू टूडे इज लव बींग अलाइव इवन इफ इट्स द हार्डेस्ट थिंग यू हैव एवर डन। तो ये कार्ड आपसे कहता है कि आपको अपने अंदर एक लव को महसूस करना है, अपने जिंदा होने को महसूस करना है, चाहे वो आपके लिए कितना भी मुश्किल भरा काम क्यों ना हो। अप्रिशिएट कीजिए साउंड्स को, जो भी आप देख रहे हैं उनको, जो सेंसेशन है लाइफ की उसको, फ्रेंड्स को, बुक्स को, आइडियाज को, स्लीप को, और जस्ट इंजॉय। यानी कि अपनी लाइफ को इंजॉय कीजिए, थोड़ा सा रिदम में जाइए और अपने आप को किसी स्ट्रगल में नहीं डालिए। ये टाइम पीरियड आपको किसी ना किसी स्ट्रगल में डालता रहेगा, जहाँ पे आप लोगों से भिड़ते रहेंगे, जहाँ पर आप लोगों से ये कहेंगे कि आप इन चीजों को साबित करना चाहते हैं। आपको किसी चीज को कुछ साबित नहीं करना है, आपको अपने कंफर्ट जोन से, ये कार्ड टोटली कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की बात करता है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है ताकि आपके लिए सिचुएशन बार बार खराब ना हो। अगर लोग आपके लिए कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जहां पर वो आपके साथ में कोई द्वंद करते हैं, कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको वहां से हट जाना है। आपको उनको जवाब नहीं देना है, आपको उनके साथ भिड़ना नहीं है, आपको वहां से अलग हट जाना है, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऑलरेडी है करने के लिए अगर आप उसकी तरफ ध्यान देते हैं तो। यानी कि आपके पास ऑलरेडी अप्रिशिएट करने के लिए इतना सब कुछ है कि आपको स्ट्रगल वाली एनर्जीज के अंदर स्ट्रक नहीं होना है, इससे आपकी ग्रोथ पर असर पड़ेगा। गॉड गिव्स यू ओनली द प्रेजेंट मोमेंट बाय मोमेंट। तो आपसे कहा गया है कि देखिए, जो बात मैं आपसे कह रही थी, जो इंट्यूशन से बात आ रही थी, अब ये कार्ड भी वही कह रहा है, आपके सामने ही निकाल रही हूं। How much of your precious day do you invest in the past? Past में आप कितना अपने precious day को, जो कि आपके पास होता है present moment, उसको invest करते हैं। Everything from your past except wisdom and love has no long since served its purpose. तो जो कुछ भी पास्ट में आपको मिला है, चाहे वो प्यार है, चाहे वो ज्ञान है, बस वही आपको सर्व करता है अपना पर्पस, बाकी और कोई भी चीज़ आपको सर्व नहीं करती। यानी कि कोई भी चीज़ आपके काम की नहीं होती, या तो फिर विजडम आपके पास में होता है जो, या फिर जो प्यार आपको मिला होता है। Witness what calls to you from yesterday and why. ये देखिए कि पुरानी चीजें आपको अभी भी क्यों बुलाती हैं, जिन चीजों से आप बाहर निकलाए हैं लेकिन फिर भी आप बाहर नहीं निकले हैं। तो ये टाइम पीरियड, जैसे कि मैंने कहा, कुछ ना कुछ हिस्ट्री को एक्सपोज करेगा, तो आपके सामने कोई ऐसी ट्रुथ आ सकते हैं जो कि आपको अगेन पास्ट की एनर्जीज में खींचने की कोशिश करेंगे, आपको ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको फिर से वहां से बचकर भागना है और अपनी एनर्जीज को आपको प्रोटेक्ट करना है। जैसे कि इस कार्ड में भी देखिए आपसे कहा गया है कि All you want to do today is love being alive. अपने जिंदा होने को महसूस करना है, अपने लिए सेलिब्रेशन करना है। आप जिस जगह पे प्रेजेंट मोमेंट में है, उस जगह को अप्रिशिएट कीजिए, अपने लोगों को अप्रिशिएट कीजिए, उनके साथ इंजॉय कीजिए ताकि आप खुश हो सकें। यहाँ पे भी लिखा है जस्ट इंजॉय। तो उनके साथ जब आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे तो पास्ट आपको बार बार कॉल नहीं करेगा। वेलनेस इज अवर नेचुरल स्टेट, दिस इज एन इम्पोस्टर। आपके पाइल के अंदर ना पास्ट की एनर्जीज बहुत सारी हैं। देखिए ये कार्ड भी पास्ट लाइफ्स का ही है ना, आपके पास्ट से प्रेजेंट में कुछ बदलना जरूरी है। ये कार्ड कहता है कि जो यादें होती हैं वो इस तरह की चीजें होती हैं जो कि आपको बार बार ये कहती हैं कि आपका कोई रिलेशनशिप है या कोई एक्सपीरियंस है वो हील नहीं हो सकता, वो ठीक नहीं हो सकता। तो अगर आप इस चीज में बिलीव करते हैं, इफ यू बिलीव दैट, हाउ कैन यू हील योर बॉडी और प्रोटेक्ट योर हेल्थ। अगर आप इस चीज में बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप हील नहीं हो सकते या कोई रिश्ता आपका हील नहीं हो सकता, तो आप कैसे खुद को ठीक करेंगे, कैसे खुद की बॉडी को, अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करेंगे। रिप्लेस इम्पोस्टर्स विद अ हायर ट्रुथ। तो अपने जीवन में जो भी चीजें आपकी एनर्जीज को चुराती हैं उनको आप रिप्लेस कीजिए, और उस वाली जो ये मास्क है इनको उतर जाने दीजिए, इनको हट जाने दीजिए। ये कार्ड द सन का है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन कार्ड है ये आपके लिए। ये आपसे कुछ चीजों को रोशनी में देखने के लिए कहता है। ये कार्ड कहता है कि अपनी जो रियलिटीज हैं उनको आप रोशनी में देखो कि आपके जीवन की सच्चाई क्या है। अगर कोई पुराने रिश्ते हैं, पुराने लोग हैं, पुरानी बातें हैं, वो अभी तक आपको खींचती हैं, अभी तक आपको या तो आकर्षित करती हैं या आपके अंदर किसी कमी को दिखाती हैं, तो वो आपके लिए चोर हैं, उनको आप
छोड़िए, उनको आप पीछे हटाइए, क्योंकि वो आपके जीवन में कुछ भी अवसर नहीं करती। अगर कुछ ऐसा आपके सामने आता है पास्ट का, चाहे वो आपको कोई बात समझ में आती है, अचानक आपको माइंड में 10 साल पहले की कोई बात आती है कि अच्छा तब ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था और मैंने इस चीज को ऐसा समझा था लेकिन ये हुआ ऐसा नहीं था, यानी कि हुआ कुछ और था और आपने समझा कुछ और था, लेकिन 10 साल के बाद आपको रियलाइज होता है, तो आपको करना क्या है, आपने उसको देखा, सुना, समझा और आप ये देखिए आपने उससे क्या सीखा या फिर आप उससे क्या सीख सकते हैं और आगे की तरफ बढ़िए। उसको लेकर ना बैठना नहीं है, बैठेंगे तो आपको दिक्कत होगी, लोगों से बातें करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो आपको अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लानी है, उसके लिए जरूरी है कि जो चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं, हालांकि ये थोड़े परेशान करने वाले होंगे, लेकिन ये आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी को लेकर आएंगे, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत सारा बदल रहा है, बदलता ही जा रहा है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि ऐसी एनर्जी में आप स्टक ना हो जो कि आपके किसी काम की नहीं है। चेंज का यहाँ पर मैसेज है, ये कार्ड आपके लिए मेजर अरकाना का है, ये पोर्टल का ही कार्ड है। बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते रहेंगे आने वाले समय में भी, और आप देखेंगे कि आप भी एक नए इंसान बन रहे हैं। डेफिनेटली आपकी सिचुएशन में कोई ना कोई ऐसे बदलाव आते रहेंगे जो कि आपको एक नया इंसान बनाकर ही छोड़ेंगे, ट्रस्ट मी। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग्स कई बार मजाक होती हैं, है ना, कई बार ऐसा होता है कि रीडिंग्स में आई हुई कुछ बातें रेजोनेट करती हैं और कुछ बातें रेजोनेट नहीं करती, लेकिन कई बार रीडिंग्स में ना कुछ चीज़ों की एनर्जीज इतनी स्ट्रांग होती है कि आप उसको कितना भी नकार दें, वो चीज़ें आपकी लाइफ में होकर ही रहती हैं। ये चेंज है, ये बात मैं आपको आज कह रही हूँ, ये चेंज आपकी लाइफ में होके ही रहेगा। जो कुछ भी आपके पुराने बिलीफ सिस्टम थे ये टूटेंगे, जो कुछ भी आपकी पुरानी सोच थी वो बदलेगी, क्योंकि इसकी एनर्जीज ना जाने क्यों आपके पूरे पाइल के ऊपर छाई हुई है। ये ऐसी एनर्जीज हैं जो कि आपकी लाइफ में एक बिग शिफ्ट ला के रहेंगी, आपको एक दूसरे इंसान के रूप में बदल के ही रहेंगी। हालांकि वहां से आप ऑलरेडी विक्ट्री पा चुके हैं, आप एक उस जोन में हैं जहां पे आपके पास विक्ट्री है, आप ऑलरेडी विजेता हैं, लेकिन फिर भी अभी तक आपके पास में पास्ट की कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जिनको आपने ना तो लेट गो किया है, ना आपने छोड़ा है, ना आपने जाने दिया है। अब वो चीजें चेंज होंगी और होकर ही रहेंगी। पास्ट लाइफ का ये कार्ड है, ये कहता है कि अगर किसी चीज को ठीक करना है तो ठीक कीजिए, नहीं करना है तो उस चीज से क्या समझ रहे हैं उसको आप देखिए, क्योंकि ये कार्ड कार्मिक कार्ड है। ऑप्शन टू में भी कार्मिक कार्ड्स की एनर्जी थी, अगर आप देखना चाहें तो उसको आप देख लीजिएगा। ये कार्ड आपसे कहता है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी चेंजेस होंगे वो आपके बेटरमेंट की तरफ आपको लेके जाएंगे और आपके जीवन में एक नई दिशा को आपको देखने के लिए प्रेरित करेंगे। ये आपकी लाइफ में खुशियां भी लेकर आएंगे क्योंकि आप न्यू इंटेंशन भी सेट करेंगे। आपके पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, आपका पास्ट आपको बहुत कॉल करेगा इस टाइम पीरियड में। लोग हो सकते हैं, मेमोरीज हो सकती हैं, इमोशंस हो सकते हैं जो कि आपको हिट करते रहे, जो पास्ट से आपके जुड़े हुए हैं। लेकिन अगेन, अगर आपके पास्ट में सब कुछ नहीं है जो कि आपको हैप्पीनेस दे रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसके साथ आपको बहुत ज्यादा जुड़े रहने की या जुड़ने की जरूरत है। आपको लगता होगा कई बार कि मैं कार्ड्स ठीक करती रहती हूँ, कई बार ना ये सामने से अलग तरीके से दिखते हैं और कैमरे में थोड़े अलग दिखाई देते हैं, थोड़े से अलग ही दिखाई देते हैं, तो इसलिए इनको ठीक करना पड़ता है। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है नोथिंगनेस का, है ना। ये कार्ड कहता है कि जीवन में जो कुछ भी है अब इसको आपको टर्न करने की जरूरत है, इसको बदलने की जरूरत है, ये एक ब्लैंक स्लेट है। आप क्या लिखना चाहते हैं अपने जीवन में, वो चेंज आपके लिए जरूरी है, उस चेंज को लिखिए अपने जीवन में जो कि आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है, ये कार्ड है रिसेप्टिविटी का, कि रिसीव कीजिए सारी हीलिंग को और एनर्जीज को ताकि आपकी लाइफ में चेंजेस हो सकें और आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर सकें, कोई हीलर हो सकते हैं आप यहाँ पे। और ये कार्ड कहता है कि जो सोल है वो अपने जॉय के लिए आती है अर्थ पे, और इसी तरह से ये आपके लिए एक पॉसिबिलिटी होती है, एक ऐसी पॉसिबिलिटी जहां पर अपनी सोल को आप बहुत कुछ सिखा सकते हैं, और आप यहां सिर्फ एक्सपीरियंसेस लेने के लिए आते हैं, इसलिए आप उन चीजों पे ध्यान दीजिए जो चीजें आपको जॉय देती हैं, और कुछ ना कुछ ऐसे आप करते रहिए। अगेन, ये कार्ड आपके जॉय के ही है, कि आपको लाइफ में कुछ चीजों को जॉय के अंदर ही देखना है। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है द फूल का, ये कार्ड भी आपके किसी न किसी न्यू जर्नी के स्टार्टिंग होने की बात करता है और कहता है कि आपके पास एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, लेकिन अब आपको सिरे से शुरुआत करनी है, नए तरीके से शुरुआत करनी है, नई सोच के साथ शुरुआत करनी है। जैसे ही आप इस तरफ फोकस कर लेंगे वैसे ही आपके लिए चीजें चेंज हो जाएंगी, वैसे बहुत ही अच्छी रहेंगी आपके लिए एनर्जीज, क्योंकि आप एक नए इंसान के रूप में उभरने वाले हैं। प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत,
द सन की एनर्जी यही बताती है कि अपने आप को, अब अपने रियल सेल्फ को आप देखेंगे, चीजों को सेलिब्रेट करेंगे और अपने आप में एक विक्ट्री लेकर ही आएंगे। प्रोस्पेरिटी इज फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीविंग इट। तो रिसीव करने के लिए आपको ओपन होना चाहिए और वो तब हो पाते हैं जब आपके पास में उतनी जगह होती है। तो ये चेंज आपकी लाइफ में आना है जब प्रोस्पेरिटी बहुत सारी आ रही है, खुशियां बहुत सारी आ रही है, लेकिन थोड़ी सी इंटेंस एनर्जीज हैं तो इसलिए उनको भी देखना चाहिए। चॉइसेस का मैसेज है, देयर इज अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न्स टू हेल्प यू फाइंड इट। तो किसी चीज को बदलना चाहते हैं, रास्ता समझ नहीं आ रहा है, तो आपको यूनिकॉर्न से प्रेयर करनी चाहिए और आपको वो रास्ता मिल जाएगा। विशेष का यहाँ पे कार्ड है, हालांकि मुझे लेना नहीं था लेकिन ना जाने क्यों ये कार्ड जो है कॉल कर रहा था, इसलिए मैंने इसको ले लिया है। कार्ड है विशेष का, ये कार्ड कहता है कि अपनी विशेष को सोच समझ के चुनिए, जो मांगना चाहते हैं सोच समझ के मांगिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कोई विश पूरी हो जाए। अब जैसे ही विश की बात आती है तो ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप अपने किसी एक्स को मांग रहे हैं, एक्स किसी कारण से एक्स होता है ना, उसी के बारे में अगर आप सोचते रहेंगे तो अपने नेक्स्ट पे आप किस तरह से जाने वाले हैं ये आपको देखना होगा। जो भी पुरानी बातें हैं उनको छोड़ के नई लाइफ में, अपनी लाइफ में आप नया क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पे देखना चाहिए। तो देखते हैं मून के कार्ड से क्या आते हैं। नेवर लेट प्राइड रूइन एवरीथिंग। अगर कुछ आपको अच्छा मिला है लाइफ में तो उसको लेके लोगों के साथ में आपको भिड़ना नहीं है कि आपको किसी की कोई बात समझ में आ गई तो फिर आप लड़ने के लिए तैयार हो गए। यहाँ पे इन चीजों से आपको थोड़ा सा दूर हटना होगा कि चीजें आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी क्रिटिकल एनर्जीज की बात करती हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, वाणी पर संयम रखेंगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखेंगे, बर्स्ट नहीं करेंगे अपने अंदर, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए जरूरी रहेगा, क्योंकि ये जो एनर्जीज है ना आपको सबसे ज्यादा हिट करने वाली हैं, प्रोवोक करने वाली हैं। सक्सेस इज कमिंग, जैसे कि आपके लिए प्रोस्पेरिटी आ रही है, ऐसे सक्सेस आ रही है। 11 का नंबर है यहाँ पे, तो सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है, इसलिए किसी को गलत या सही साबित आपको नहीं करना है। आपकी लाइफ में आप खुद के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं उसकी तरफ आपका फोकस होना चाहिए। तो अपनी लाइफ में आप क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं उसकी तरफ आपका फोकस होना चाहिए और उसी से आपको ग्रोथ और हैप्पीनेस मिलने वाली है। तो यहाँ पर किस तरह के मैसेजेस हैं ऑप्शन 3 के लिए। और ओके, तीन कार्ड आए हैं, तीनों ही ले लेते हैं। सक्सेसफुल रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, आपके हार्ड वर्क का जो रिजल्ट है आपको जरूर मिलेगा। चेंजेस हार्ड एट द फर्स्ट, मैसी इन द मिडल एंड कॉजेस एट द एंड। तो आपके लिए जो भी चेंजेस होंगे शुरू में आपको दिक्कत कर सकते हैं, थोड़े से मैसी लग सकते हैं, लेकिन अंत में सबसे खूबसूरत होंगे। यूज हेलीकॉप्टर व्यू, तो आपको जो सबसे ऊपर का व्यू लेना है, यानी कि आपको सिर्फ छत, आपको गेट पे खड़े होके नहीं देखना है, आपको छत पे जाके देखना है कि आपके लिए सारी सिचुएशन लाइफ में कैसी रही है। ये कुछ ऐसा ही है आपके लिए कि जब किसी सिचुएशन को आप समझने लगे ना, तो आप ये देखिएगा कि आप सिर्फ उसको इसी नजरिए से नहीं देखिएगा, आप ये देखिएगा कि उस सिचुएशन में क्या और हुआ हो सकता है। कि अगर आपको कोई बात पता चल रही है, किसी की कोई रियलिटी पता चल रही है, किसी का कोई ट्रुथ पता चल रहा है, तो उस सिचुएशन में और क्या क्या हुआ होगा जिसकी वजह से ये सब हुआ होगा। यानी कि किसी भी सिचुएशन में एक पॉइंट ऑफ व्यू से जज नहीं कीजिएगा, जिस भी व्यू को आप करें उसको हेलीकॉप्टर व्यू होना चाहिए। यानी कि आपको चारों दिशाओं का, चारों तरफ की बातों का या चार लोगों का सच आपको पता होना चाहिए, तब आप किसी डिसीजन पे पहुंचना कि रियलिटी क्या है। उससे पहले आप अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए और अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए, और पास्ट, अपने पास्ट से निकल के आपको अपने फ्यूचर को यहाँ पे बैलेंस करना है, उसको अच्छा बनाना है। तो अपनी विशेस की तरफ, अपनी चॉइसेस की तरफ आपका फोकस रहना चाहिए इस टाइम पीरियड में, तभी आपके लिए कोई ना कोई ग्रोथ संभव है। वैसे बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं आपकी, जितना ज्यादा आप प्रोवोक होंगे ना इस एनर्जी से, उतना ही ज्यादा आपकी लाइफ में सक्सेस और खुशियां यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है। कभी कभी पेन के साथ होता है, कभी कभी किसी समझ के साथ में होता है, और आपके लिए कुछ ऐसा ही है। तो रिचुअल के लिए आपको यही करना है कि जिस तरह से हम फुल मून और न्यू मून पे रिचुअल करते हैं, एक स्पेस देख लीजिएगा, अपने आप को क्लीन कर लीजिएगा, स्पेस को क्लीन कर लीजिएगा, और उसके बाद में आपको दो चिट्स लेनी है, दो कोई भी छोटे पेपर ले लीजिएगा, प्लेन आप ले लीजिएगा, लाइन वाले ले लीजिएगा, दो चिट्स ले लीजिएगा आप, है ना। तो उस पे आपको जो चीजें रिलीज करनी है उनको लिखना है, और एक चिट को आपको ब्लैंक छोड़ना है। तो स्पेस को क्लीन करके आप बैठ जाइएगा। कैंडल अगर आप छोटी यूज कर रहे हैं तो उसको जलने दीजिएगा, अगर बहुत बड़ी कैंडल यूज कर रहे हैं तो उसको किसी बुक से या किसी चीज से आप बंद कर दीजिएगा, उसको पूरा नहीं जलाइएगा। अगर आप उसको यूज नहीं करना चाहते हैं तो, या वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो, पर फूक मार के नहीं बुझाते हैं, यानी कि हैप्पी बर्थडे वाला नहीं करते हैं उस कैंडल के साथ में, उस कैंडल को हम किसी चीज से बुझाते हैं, ठीक है, फूक नहीं मारते हैं ऐसी कैंडल्स को जो रिचुअल या स्पेल्स में यूज होती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको यही करना है कि आप बैठ जाइएगा, अपनी कैंडल को जला लीजिएगा, और जो चीजें भी आप रिलीज करना चाहते हैं एक पेपर पे लिख लीजिएगा, जो भी आपके पास्ट से जुड़ी हुई है, स्पेसिफिकली आपके पास्ट से जुड़ी हुई है, उन सब चीजों को आप लिख लीजिएगा। कोई इमोशन है, रिलेशन है, इंसान है, कोई बातें हैं, कोई हर्ट है, पेन है, उन सबको लिख लीजिएगा।
और फिर आपको एक हाथ में उसको लेना है और एक हाथ में ब्लैंक चिट को लेना है और आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने के बाद में आपको उस जिस पे आपको रिलीज करना है वो आपने साइड में रखी है और आप मेडिटेशन में ये विजुलाइज करेंगे, ये सोचेंगे कि आप ये सारी चीजें यूनिवर्स में रिलीज कर रहे हैं और आप अपनी लाइफ में ये जो ब्लैंक चिट है अब इस पे आप क्या क्या लिखना चाहते हैं कि एक हाथ से आप यूनिवर्स को रिलीज कर रहे हैं चीजें और एक हाथ से आप रिसीव कर रहे हैं। जो चीजें आप रिलीज करना चाहते हैं वो वाली चिट आपके इस हाथ में रहेगी, जो भी चीज आप रिसीव करना चाहते हैं यूनिवर्स से वो चिट आपके इस हाथ में रहेगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड होता है हमारा रिसीविंग हैंड। तो आपको अपने, चाहे आप लेफ्ट हैंड वाले हैं चाहे आप राइट हैंड का यूज करते हैं, आपका लेफ्ट हैंड ही काम करेगा क्योंकि लेफ्ट साइड बॉडी का रिसीविंग वाला माना जाता है। तो लेफ्ट हैंड में ही रखना है आपको अपनी ब्लैंक चिट को और राइट हैंड में रखना है आपको अपनी लिखी हुई चिट को जिसमें आप चीजें रिलीज कर रहे हैं। मेडिटेशन करने के टाइम पे आपको यही देखना है, समझना है कि आप इन चीजों को रिलीज कर रहे हैं और आप यूनिवर्स से अपनी लाइफ में अब एक जो ब्लैंक चिट है उसमें आप क्या क्या लिख रहे हैं, तो आप क्या क्या चाहते हैं। अपनी रियलिस्टिक अप्रोच रखिएगा जो आप चाहते हैं, किसी इंसान को प्लीज नहीं मांगिएगा, मांगना है तो ऐसा रिश्ता मांगिएगा जहां पर आपके लिए मान सम्मान इज्जत हो, आपको भरपूर प्यार मिले, आपको रिस्पेक्ट मिले, या अपनी ग्रोथ मांगिएगा जो भी आप जिस भी एरिया में चाहते हैं, पढ़ाई मांगिएगा, अपनी एजुकेशन मांगिएगा, या फिर रास्ता मांगिएगा, आइडिया मांगिएगा, सपोर्ट मांगिएगा, अपने परिवार की खुशियां मांगिएगा, यानी कि कुछ ऐसा जो कि रियलिस्टिक हो, जो कि आपको भी पता है कि मिल सकता है या फिर आपकी लाइफ में वो हो तो आप अच्छी तरह से जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। यानी कि रियलिस्टिक अप्रोच रखिएगा मांगने के टाइम पे। और जैसे भी आपके लिए कहा भी गया है आपकी कोई ना कोई विश ग्रांट हो सकती है यहाँ पे, तो हो सकता है आपकी कोई विश पूरी भी हो जाए, इसलिए भी आपको स्पेसिफिकली रियलिस्टिक होने की जरूरत है। कल को ऐसा कुछ ना मांग लें जो कि आप बाद में ना चाहते हो और उस वक्त मांगकर आप उस विश को खराब कर दें। तो बस उसको आप मांग लीजिएगा और उसके बाद में जब आपकी वो चीजें हो जाएं तो आप उस पेपर में चाहे तो मेडिटेशन करने के बाद में आप उस कागज के अंदर सारी वो बातें लिख सकते हैं कि आप क्या क्या चाहते हैं और उसको कहीं संभाल के रख दीजिएगा। एक महीने के लिए कहीं संभाल के रख दीजिएगा अपनी विश वाली चिट को, अपने अल्टर में रख सकते हैं, अपनी पूजा की जगह पे रख सकते हैं, नहीं तो अपने गद्दे के नीचे रख सकते हैं। एक महीने के बाद आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं और जिस पर आप चीजों को रिलीज करना चाहते हैं उसको मेडिटेशन करने के बाद में आप बंद कर दीजिएगा, कैंडल से आप उसको बंद कर दीजिएगा उसको, या फाड़ के फेंक दीजिएगा। इस तरह से आपका रिचुअल कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी पायल्स के लिए अलग अलग रिचुअल हैं, अगर आप एक से ज्यादा पायल देख रहे हैं तो आप दोनों रिचुअल भी कर सकते हैं, या फिर आपको जो ज्यादा बेहतर लगता है अपने लिए आप वो भी चूज कर सकते हैं। तो होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो को बनाने में तो मेरी डबल मेहनत लगी है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।